भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं और लाइक वीडियो को भी कर दें। बने रहें, जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोगों का सिद्धार्थ लाइव परिवार में। मेरा नाम है सिद्धार्थ शुक्ला, मैं कर रहा हूं अपना मास्टर फ्रॉम एनआईटी तिरुचि। अगर आपका कॉलेज अंडररेटेड समझा जाता है या आपके कॉलेज की कोई ब्रांच अंडररेटेड समझ जाती है और आप चाहते हो उस कॉलेज के बारे में लोगों को पता चले, लोग जाने उस कॉलेज में एडमिशन लें, तो आप हमें बताइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म की लिंक है, वहां जाके फॉर्म को फिल करिए और हमारे साथ जुड़कर अपने कॉलेज या अपने कॉलेज की कोई ब्रांच के लिए रिव्यू करवाइए। चलिए अब बात को स्टार्ट करते हैं। लेकर आ गए हम बहुत जबरदस्त रिव्यू, एनआईटी नागालैंड। नागालैंड को सोच के आप दिमाग में क्या आता है सबसे पहले ये बताइए। मैं जब नागालैंड को सोचता तो मेरे दिमाग में चार चीजें आती थी। पहली, वहां पे ट्राइब्स बहुत ज्यादा हैं, वहां पे डॉग वगैरह खाते हैं। थर्ड चीज आती थी, वहां पे आर्मी का लॉ लगता है जिसको बोलते हैं अस्पा। फोर्थ, वहां पे वेस्टर्न कल्चर और इंग्लिश कल्चर बहुत ज्यादा है। ये चार चीजें नागालैंड के बारे में आती थी। लेकिन आज मैं आपको हर तरीके की आपके जो डाउट्स वगैरह हैं वहां की स्टडीज से रिलेटेड, एनआईटी से रिलेटेड सारे क्लियर कर दूंगा। पहले बात करते हैं नागालैंड की। नागालैंड आपको जैसे पता है एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, बिल्कुल एट द लास्ट पड़ता है, जिसके नॉर्थ में आप जाओगे तो आपको अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। अगर आपके उसके वेस्ट में जाओगे तो आपको आसाम देखने को मिलेगा, साउथ में मणिपुर और इसके ईस्ट में आपको म्यांमार देखने को मिलेगा। कैपिटल इसकी कोहिमा है और बिगेस्ट सिटी है दीमापुर, ठीक है। और जो एनआईटी नागालैंड है वो भी दीमापुर के आसपास ही पड़ता है। अब बात करते हैं स्टार्टिंग से एनआईटी नागालैंड की। स्पेशली एनआईटी नागालैंड 2009 में खुला था। इससे पहले क्या हुआ कि दो साल तक इसका कैंपस तैयार नहीं हुआ था। यार देखो, थोड़ा तो कैंपस मतलब एनआईटी का घोषणा हो गया, ठीक है, अब एडमिशन तुरंत चालू हो जाते हैं, ठीक है। अनाउंस होने के बाद अब लैंड बनने में थोड़ा टेम्परेरी, उन लोगों ने सोचा कि अपने परमानेंट कैंपस पे ही टेम्परेरी कैंपस फॉर्म करते हैं, ठीक है, फिर उसको धीरे धीरे परमानेंट कर देंगे बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से। तो दो साल तक इन्होंने एनआईटी सिलचर में अपने कैंपस को रन किया। उसके बाद दो साल बाद ही अपने परमानेंट कैंपस पे आ गए। कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस है आपका 350 एकड़ का। अब कैंपस तक कहां कैसे पहुंचे, बात करते हैं। कैंपस तक पहुंचने के तीन है रास्ते। पहला रास्ता होता है प्लेन, एरोप्लेन से जा सकते हो। कैसे, दिल्ली या कोलकाता से आप फ्लाइट पकड़ो डायरेक्ट दीमापुर के लिए, दीमापुर एयरपोर्ट। दीमापुर बहुत बड़ी सिटी है, वहां से 15 किलोमीटर की दूरी पर नागालैंड है, एनआईटी नागालैंड है आपका, ठीक है। या फिर आप ट्रेन पकड़ो, ट्रेन डायरेक्ट दीमापुर तक ही जाती है, ठीक है, डायरेक्ट ट्रेन है आपकी। दिल्ली से राजधानी एक्सप्रेस जाती है, लखनऊ इलाहाबाद साइड से भी ट्रेनें जाती हैं, साउथ से भी ट्रेनें आती हैं। तो दीमापुर के बाद आपका कोई कन्वेंस नहीं पड़ता है आगे नागालैंड में ट्रेन से जाने के लिए, फिर वहां से बस में ट्रैवल करना पड़ता है लोगों को, ठीक है। या फिर अगर आप बस से आ रहे हो तो आप आसाम साइड से, गुवाहाटी साइड से बस से भी इजिली आ सकते हो। अब आप पहुंच गए, आप दीमापुर सिटी पहुंच गए। अब आपने क्या किया, 80 रुपए देना है ऑटो वाले को, क्योंकि वहां पे ऊबर ओला जैसा कुछ नहीं चलता। या तो प्राइवेट टैक्सीज कर लो या 80 रुपए दो ऑटो वालों को और बोलो एनआईटी नागालैंड छोड़ दो। वहां से 14 किलोमीटर एनआईटी नागालैंड है, आप एनआईटी नागालैंड के बारे में एनआईटी नागालैंड पहुंच जाओगे। अब आपके दिमाग में आता है एनआईटी नागालैंड ऐसे कहां यार, जंगलों वंगलों में बना होगा ये वगैरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। नागालैंड का जो पुलिस कॉम्प्लेक्स है, जहां पर पुलिस का पूरा रेजिडेंशियल एरिया, उसके बीचों बीच एनआईटी नागालैंड का 350 एकड़ का अराउंड कैंपस बना हुआ है। बहुत सुंदर कैंपस है, बहुत सारा कैंपस अभी परमानेंट हो भी रहा है और बहुत सारा कैंपस अभी टेम्परेरी है, लेकिन पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ छोटा सा रेनी मौसम रहता है, बिल्कुल जबरदस्त एनआईटी नागालैंड। बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो एडमिशन प्रोसेस की बात कुछ ऐसी है, बिल्कुल घर जैसी है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे कम्प्लीटली जेई मेंस के थ्रू होता है। यहाँ पर आपको 6 ब्रांचेस देखने को मिलेगी, मैकेनिकल, सीएस, सिविल, ईआईईसी, ट्रिपली। ट्रिपली क्या हो गया, आपकी इलेक्ट्रिकल वाली जो ब्रांच होती है उसको ट्रिपली, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे बेस्ट ब्रांच कंसीडर की जाती है वो यहाँ पर आपकी सीएस और ईआई कंसीडर की जाती है, उसको मैं आखिर में बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ यहाँ पर काफी मतलब बहुत ज्यादा रैंक में भी आपको इजिली सीसैम वगैरह में आपको इजिली मिल जाएगा। यहाँ पे वही है, 50% सीट रिजर्वेशन है एनआईटी नागालैंड के बच्चों के लिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है, जो होना भी चाहिए। आपको अगर होम स्टेट के हो तो आपको 15 सीट्स देखने को मिलेंगी, और आप अदर देन होम स्टेट्स हो तो आपको 18 सीट्स देखने को मिलेंगी। तो 8+13 के हिसाब से आप जोड़ सकते हो, 33 सीट्स आपको टोटल हर ब्रांच में देखने को मिलने वाली है। ये हो गई एडमिशन प्रोसेस की बात, इसके सिवा और किसी तरीके से एडमिशन नहीं होता है। स्टडी की बात करें तो पहले स्टडी यहाँ पर ठीक ठाक कहूंगा मैं, स्टडी बहुत ज्यादा भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर आपके साउथ इंडिया के हैं, वेस्ट बंगाल के हैं, कुछ आसाम के। नॉर्थ इंडिया के प्रोफेसर आपको यहाँ देखने को नहीं मिलने वाले हैं। और आपको जो मोस्टली प्रोफेसर है वो IITs और NITs से PhD हैं, और वो सारे जो अच्छे सब्जेक्ट होते हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं, वो लेते हैं।
बाकी जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बहुत सारे हम पढ़ते हैं उनके लिए यहाँ पर गेस्ट फैकल्टीज की व्यवस्था की गई है, तो गेस्ट फैकल्टीज वगैरह पढ़ाती हैं। 75% अटेंडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर आपके घर में भी शादी है ना तो आपको छुट्टी नहीं दी जाएगी अगर आपकी 75% से अटेंडेंस कम है, और अगर आप अटेंडेंस पूरी नहीं करते हो खटाक से आपको अटेंडेंस बैक लगा देंगे। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल है। क्लासेस की बात करें कि यार देखो यहाँ पे बात ये है कि अभी कैंपस डेवलप हो रहा है तो डिपार्टमेंट यहाँ पे एक बड़ा डिपार्टमेंट बना दिया है जिसमें ईसी ईआई और ट्रिपल ई की क्लासेस तो लगने लगी हैं परमानेंट में, पर बहुत सारा कैंपस क्या है बम्बू क्लासेस पे चलता है। बम्बू क्लासेस क्या होता है कि बम्बूस की ना क्लासेस बना के रखे हैं, ऐसे भी टीन टप्पर टाइप की नहीं होगी पूरा, मतलब बम्बूस का ज़्यादा उसमें यूज़ होता है। वो थोड़ा इस वजह से बनाते हैं कि मतलब थोड़ा सा ह्यूमिडिटी को रिड्यूस करे और थोड़ा सा, तो अभी जो मैकेनिकल सीएस वेल वगैरह हैं उनकी जो क्लासेस वगैरह हैं वो बम्बू क्लासेस में चलती हैं, और ईसीईआई वालों के परमानेंट जो इनकी बिल्डिंग बन गई है वहाँ पर रन हो रही है। लैब्स वगैरह की बात करें तो मोस्ट ऑफ द लैब्स भी जैसे ईसीसीएस वालों की जो लैब है उनकी तो लैब अच्छी बन चुकी है, बाकी मैकेनिकल सिविल की लैब बहुत ख़राब है। बहुत सारा कैंपस मैंने आपको जैसे बताया बम्बू, तो वर्कशॉप वगैरह भी इनकी बम्बू वाले जो बड़े बड़े वर्कशॉप उसमें ये भी चल रही है, पर धीरे धीरे बहुत तेज़ी से काम बढ़ रहा है। 40-50% डिपार्टमेंट्स का काम और डिपार्टमेंट्स का भी काम हो गया है। मतलब जो इस साल आएगा सिविल का वो फोर्थ ईयर वाला बैच होने वाला है, तो सिविल सबसे न्यू ब्रांच है यहाँ की, तो लैब्स ठीक ठाक कह सकते हो बहुत अप टू दैट लेवल है। फी स्ट्रक्चर की बात करें तो अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेने वाले हो तो आपको पे करने होंगे 66,900 रुपीज़ फॉर द ट्यूशन फी, और आपको 26,000 रुपये आपको यहाँ हॉस्टल प्लस मैथ्स का पे करना पड़ेगा। पर अगर आप थर्ड सेमेस्टर में आ गए हो तो अब आपकी फीस हो जाएगी 39,850 रुपये और 26,000 रुपये हॉस्टल प्लस मैथ्स आपको देने ही पड़ेंगे। हॉस्टल्स की बात करें तो हर साल के लिए यहाँ पे चार हॉस्टल हैं, चार साल मतलब बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के चार अलग अलग हॉस्टल हैं जिसमें नाम उनके कुछ तरीके से हैं, हिमालय ए, हिमालय बी, टिहरी, जाफू जाफू करके, ठीक है। तो ये चार हॉस्टल है। हॉस्टल में कैसा है जो आपको मोस्टली लिविंग दिखेगा तो वो डबल सीटर रूम्स दिखेंगे अगर, लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो तो आपको ट्रिपल सीटर रूम में रहना पड़ेगा। हॉस्टल में सारी फैसिलिटीज़ विंटर में आपको ये लोग इवन गीज़र भी प्रोवाइड करवा देते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। कैंपस की टाइमिंग की बात करें तो आप विंटर में 7 या 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते कैंपस के, और समर में आप 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते। और हॉस्टल्स की बात करें तो गर्ल्स का हॉस्टल 8 बजे तक लॉक हो जाते हैं, हॉस्टल से बाहर नहीं जा सकते हैं। लड़के 10-11-12 बजे तक हॉस्टल्स के बाहर निकल के कैंपस के अंदर घूम सकते हैं, कैंपस के बाहर तो नहीं जा सकते, कैंपस बाहर लॉक हो जाता है गेट। बाकी जो बस फैसिलिटी है वो सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए, स्टाफ के लिए है, बच्चों के लिए नहीं है। अगली बात करते हैं मैथ्स वगैरह की, तो यहाँ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का अलग मैथ्स है, मैथ्स आपको हॉस्टल में देखने को नहीं मिलेंगे, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का जो मैथ्स है वो बिल्कुल अलग है, और गर्ल्स का पूरा 4 साल का जो मैथ्स है वो बिल्कुल अलग है। तो मैथ्स थोड़े सेंट्रल मैथ्स टाइप के बने हुए हैं वहाँ पर होता है, हॉस्टल्स के अंदर आपको मैथ्स प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फूड परेशान मत होना, आपको कोई नॉर्थ ईस्ट फूड नहीं खिलाने वाला है यहाँ पर मैथ्स में, आपको नॉर्मली नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का फूड ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब आप सोच रहे हो आप कुछ लोग वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट, देखो अब नागालैंड है तो नागालैंड में 50% लोग नागालैंड के होंगे, है ना, बहुत सारे टीचर्स भी नागालैंड के होंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है वहाँ डॉग वॉग बनता होगा, फ्रॉग बनता होगा, ये सब कुछ नहीं होता। प्योरली आपको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया खाना मिलेगा, रोटी सब्जी चिकन वगैरह आपको मिल सकता है, अंडे वगैरह मिल सकते हैं, पर इससे ज़्यादा कुछ आपको नॉनवेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। वेदर की बात कर लेते तो वेदर यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है, आपको हाई ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी, रेनी सीजन रहता है पूरे टाइम, इसलिए आपको हाई ह्यूमिडिटी यहाँ पर देखने को मिलती है और स्नोफॉल नहीं होता है। कैंटीन्स की बात करें तो यहाँ 2 कैंटीन है, एक कैंटीन आपकी एडमिन ब्लॉक के ही अंदर है नीचे, और दूसरी कैंटीन यहाँ पे साउथ इंडियन है कम्प्लीटली, उसमें साउथ इंडियन खाना मिलता है साउथ, और फुल रेजिडेंशियल कैंपस है, बच्चे बाहर नहीं रह सकते कैंपस के। लाइब्रेरी स्पोर्ट्स फेस्ट की बात करें तो लाइब्रेरी काफ़ी ठीक है, मतलब अच्छी कह सकते हो, एडमिन ब्लॉक के अंदर ही लाइब्रेरी खुली हुई है। स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स में आपको जो इंडोर वगैरह के लिए तो सब कुछ मिल जाएगा, बैडमिंटन कोर्ट वगैरह, बास्केटबॉल कोर्ट भी काफ़ी अच्छे हैं, पर क्रिकेट ग्राउंड फुटबॉल ग्राउंड अगर आप सोच रहे हो तो वो उतने अच्छे नहीं है। हाँ खेलने के लिए ग्राउंड तो है लेकिन उतने अच्छे नहीं बनाए गए हैं, ठीक है। अगर आप बात करते हैं यहाँ पे एक एनुअल कल्चरल टेक्निकल फेस्ट होता है, उसका नाम एक रीथन करके उसका कुछ नाम है, एक रीथन, तो यहाँ पर क्या है वो सबसे बिगेस्ट फेस्ट है पूरे दीमापुर में, सबसे बड़ा फेस्ट वही माना जाता है। नागालैंड में भी इवन उससे अच्छा कोई टेक्नो कल्चरल फेस्ट नहीं होता है, और कोई कॉलेज भी नहीं है NIT नागालैंड से अच्छा पूरे नागालैंड के अंदर। रैगिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको रैगिंग भी नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत इंट्रो वगैरह हो सकता है, डिपेंड्स ऑन जो स्टूडेंट सीनियर्स रहते हैं, कुछ सीनियर्स को सर मैम बुलवाते हैं, कुछ सीनियर भैया भाई छोटा भाई की तरह बिल्कुल फॉर्म करते हैं। रैगिंग वगैरह नहीं है कि आपको मारा जा रहा है फिजिकली आपके साथ वॉयलेंस, ऐसा कुछ भी आपको देखने को यहाँ नहीं मिलेगा। डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो हाँ थोड़ा बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना, क्योंकि अब थोड़ा नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया ये, लेकिन मैंने देखा है हर जगह ही होता है,
आप साउथ इंडिया में जाओगे थोड़ा नॉर्थ इंडिया वालों को लगेगा, साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया में आएंगे तो उनको थोड़ा लगता है वो, लेकिन ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बाहर भी आप जाओगे ना वहाँ पे तो आपको जो मोस्टली जो शॉपकीपर्स वगैरह हैं वो वेस्ट बंगाल के, आसाम के, आपके नॉर्थ इंडिया के हैं, जहाँ ऑटो चलाने वाले बहुत सारे जो वहाँ पे कैफे वगैरह खुले होंगे खाने पीने की सब्जी, वो बहुत सारे लोग ना आपको अपने साइड के ही मिलेंगे, तो ऐसा कोई आपको वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन देखने को नहीं मिलने वाला है। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे 2019 और 2020 के स्टैटिक्स बता देता हूँ, क्योंकि इससे पुराने स्टैटिक्स बताने का भी कोई मतलब नहीं है, और अभी 2020 में अभी प्लेसमेंट चल रहे हैं तो उतना बताने का मतलब नहीं। 2019-20 का सुनो, 51% प्लेसमेंट हुए थे, मतलब 51% लोग प्लेस हो गए थे कॉलेज के, और 7.6% हायर स्टडीज की तरफ चले गए थे। हायर जो पैकेज रहा था वो 11 LPA का रहा था, और जो मीडियम पैकेज था वो 5.3 का था। ठीक है, जो सबसे बड़ी कंपनीज आई थी प्लेस करने वो थी L&T, मैकेफी, पावर ग्रिड, इन लोगों के पैकेज करीब 8.5 से 10 के बीच में अराउंड थे, मैकेफी का शायद 11 था, और बाकी जो मास रिक्रूटर थे वो थे TCS, इन्फोसिस, कॉग्निजेंट वगैरह, जिन्होंने 3.25 के पैकेज पे प्लेस किया था। बेस्ट ब्रांचेस बताऊं प्लेसमेंट के लिए तो आपकी EI, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड CSE रहती है, क्योंकि यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, बाकी जो ब्रांचेज है सिविल मैकेनिकल होगी, इनका प्लेसमेंट काफी खराब है। ठीक है, कंपैरिजन के मामले में अगर हम बात करें तो कंपैरिजन में सिलचर और अगरतला अगर आपको मिल रहा है तो वो बेस्ट पे आपके लिए चूज करना, और इसके नीचे अगर आप जाने की सोच रहे हो तो मैं कहूंगा नागालैंड आप प्रेफर कर सकते हो। बाकी मेघालय भी अच्छा है, लेकिन मेघालय का भी अभी कैंपस नहीं बना है तो लोगों को बस से ट्रैवल करना पड़ता है, उसके बारे में भी मैं जल्दी रिव्यू लेकर आऊंगा। गेट प्रिपरेशन की बात करें तो यहाँ के जो फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं वो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं, अपना गेट का एग्जाम देने के बाद एक्स्ट्रा उनकी क्लासेस लेते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, तो शाम शाम को ऐसे क्लासेस लग जाती हैं, तो ऐसे आप गेट का पढ़ सकते हो, अगर आपको कोई कोचिंग वगैरह नहीं मिलने वाली है। कॉलेज लाइफ की बात करूँ तो यहाँ पे बेस्ट है, यहाँ पे कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब एंजॉय करने के लिए बहुत है, घूमने के लिए पास में वाटरफॉल्स भी हैं, और फिर कोहिमा यहाँ से 70-80 किलोमीटर दूर सिटी है जो वहाँ की कैपिटल है, तो वहाँ भी आप जा सकते हो। वर्स्ट की बात करें तो हाँ थोड़ा खाना खराब है, एक्सेस फूड मार्केट भी थोड़ा दूर है पड़ जाता है, ये थोड़े जोमेटो स्विगी वगैरह यहाँ चलते नहीं है, जो आप यूजुअल अपना एंजॉय कर सकते हो नॉर्थ इंडिया में। और आपको बात करूँ अगर आपको कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो NIT नागालैंड मिल रहा है तो क्या चूज़ करना चाहिए, तो मैं कहूँगा अगर आपको अपने स्टेट का बेस्ट, ऑलमोस्ट जैसे मैं UP का बिलोंग करता हूँ तो हमारे HBTI, IIT, KNIT, सुल्तानपुर, MMM, अगर आपको ये मिल रहा है तो आप NIT नागालैंड को छोड़ सकते हो, पर इसके नीचे जाने से अच्छा है आप NIT नागालैंड को प्रेफर करो, क्योंकि आपको NIT का टैग भी वहाँ मिलने वाला है। ठीक है, और बाकी तो मैं बोलूंगा प्राइवेट कॉलेजेस का तो छोड़ो, NIT नागालैंड ही चले जाओ, और NIT नागालैंड अच्छा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आप NIT नागालैंड जा सकते हो बाय ट्रेन, बाय एयर, है ना, ऐसा नहीं आप मणिपुर अरुणाचल प्रदेश होता ना तो आप परेशान हो जाते हो, उसके लिए मैं रिव्यू लाऊंगा ना तो आपको पूरा समझ आएगा। अब बात कर लेते हैं बचे हुए चीज़ों की, आपको बगल में मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी तो आप मुझे फेसबुक इंस्टा पर फॉलो कर लीजिए, जो भी डाउट्स है पूछ लीजिए, और अगर आप नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं तो या नागालैंड से बिलोंग करते हो और आपको अगर रिव्यू अच्छा लगा है तो एक लाइक मार दीजिएगा, और बाकी सब लोग भी लाइक मार दीजिएगा। ठीक है, आप हमारे पाठशाला ज्ञान चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, पाठशाला ज्ञान चैनल पे हम लोग पूरे कॉलेज सेमेस्टर का पढ़ाते हैं हमारे टीचर्स, और आपको साथ साथ UPSC, SSC के सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स को हम लोग वहाँ पे सॉल्व कराते हैं। अभी हालांकि गेट का मुहिम चल रहा है कि हम लोग गेट के पूरे प्रीवियस ईयर वहाँ पे कंप्लीट करा रहे हैं, तो जाओ जल्दी से जाके पाठशाला ज्ञान को भी सब्सक्राइब कर लो। और एक और बात, अनएकेडमी पे जाके आप इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के जनरल स्टडीज का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल कर सकते हो, सारी लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट करो, है ना दोस्तों। बाकी बढ़िया कमेंट दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब करे बिना तो मत जाना। चलिए चलता हूँ, अब मुझे विदा कीजिए। ठीक है, नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में अगली बार।